हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों मैं हूं जोगी और आप देख रहे हैं ड्रामापुर। दोस्तों कुछ समय पहले मैंने सिंपल मनी की डिलीवरी को लेकर के एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि जो गवर्नमेंट के नए नियम है ईवी सेफ्टी एंड बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को लेकर के, उनके तहत जो सिंपल वन की बैटरी है वो नए बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती। अब ये इसको मैच नहीं करती तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि सिंपल वन की जो डिलीवरी है वो डिले हो सकती है। और मैंने अपना ओपिनियन दिया था कि ये जो सिंपल वन की डिलीवरी है हो सकता है कि अब इस साल ना हो और ये नेक्स्ट ईयर तक पोस्टपोन हो जाए, और बहुत कम चांसेस है कि इस साल इनकी डिलीवरी होगी। तो ये मैंने प्योर अपना एक ओपिनियन ही दिया था। उस टाइम पे ये ऐसी कोई खबर नहीं थी कि ये अपनी डिलीवरी पोस्टपोन कर रहे हैं या नहीं, तो ऐसी कोई खबर नहीं थी। हाँ, ये खबर पक्की थी कि जो सिंपल वन की बैटरी है वो नए बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को मैच नहीं करती, तो वो खबर मैंने आपको बताई थी। उसके बाद मैंने अपना ओपिनियन दिया था, एक एनालिसिस करके सिंपल वन की रिपोर्ट्स वगैरह को पढ़ के कि कंपनी में क्या चल रहा है क्या नहीं। बट अब ये खबर कंफर्म हो चुकी है, ये बात कंफर्म हो चुकी है कि सिंपल वन ने अपनी डिलीवरी को फाइनली पोस्टपोन कर दिया है। देखिए दोस्तों, ये खबर 3-4 दिन पहले की है, बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था इस पर, और ईवी वीकली एपिसोड भी बनाना पड़ता है संडे को, तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तो वो सब किया और फिर तबीयत ठीक नहीं थी। आज भी बड़ी मुश्किल से उठ करके वीडियो बना पा रहा हूँ। तो ये फाइनल खबर अब आ चुकी है कि कंपनी ने अपनी सिंपल वन की डिलीवरी को पोस्टपोन कर दिया है, कब? नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो कहा जा रहा है वो ये, जो फर्स्ट क्वार्टर होगा 2023 का, या कुछ न्यूज़पेपर ये भी कह रहे हैं कि फर्स्ट हाफ जो होगा, अगर हम दोनों ही मान लें तो मोटा मोटा हमें नज़र आता है कि जो मार्च का समय होगा 2023 के मार्च में जा कर के सिंपल वन की डिलीवरी शुरू की जा सकती है, ये हमें नज़र आ रहा है साफ साफ। बाकी यहाँ डिलीवरी पोस्टपोन हो चुकी है, इस साल आपको सिंपल वन की डिलीवरी देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों जिस न्यूज़पेपर से हमें खबर मिली है, उस न्यूज़पेपर को दिए गए इंटरव्यू में सिंपल एनर्जी के सीईओ सुहास राजकुमार ने क्या कहा है, एक बार ये भी देख लेते हैं। अडेरिंग टू द न्यू बैटरी सेफ्टी गाइडलाइंस इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, सिंपल हैज टेकन अ कॉल टू डेफर द डिलीवरीज ऑफ सिंपल वन टू दस इंश्योर दैट आवर व्हीकल्स सर्टिफाइड एज पर न्यू स्टैंडर्ड। सेफ्टी हैज बीन आवर प्रायोरिटी सिंस द बिगिनिंग। द स्कूटर्स दैट आर सेफ एंड फ्यूचरिस्टिक, we appreciate the patience and the love that the customers have showed on us। तो सुहास राजकुमार का कहना है कि कस्टमर की सेफ्टी एंड स्कूटर की सेफ्टी उनके लिए आज भी प्रायोरिटी पर है, एंड लोगों ने जो पेशेंस दिखाया है इनके प्रोडक्ट पर, इनके स्कूटर पर, उन्हें वो अप्रिसिएट करते हैं। अपनी जिस वीडियो का जिक्र मैंने किया है दोस्तों, उससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई थी सिंपल वन को लेकर के, जिसमें मैंने कहा था कि अगर आपको सिंपल एनर्जी की तरफ से एक अच्छा प्रोडक्ट चाहिए ना, अगर रिलायबल प्रोडक्ट चाहिए तो थोड़ा सा पेशेंस आप लोग और रखिए। ये वीडियो मैंने तब बनाई थी जब काफ़ी सारे फायर इंसिडेंट्स वगैरह या टूटने फूटने के इंसिडेंट्स हो रहे थे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, और उस समय पर जो गवर्नमेंट के ईवी सेफ्टी एंड बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड को जो नियम बनाने को लेकर के जो घोषणा थी वो भी नहीं की गई थी, उसके बारे में कोई चर्चा उस समय पर नहीं थी, तब मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो उस पर मतलब मैंने एक तरह से अपना ओपिनियन ये दिया था कि आप थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, और सिंपल वन चाहता है कि अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे, एक सेफ प्रोडक्ट दे। तो उस पर एक दो लोगों ने कमेंट तो काफ़ी आया था, बट एक दो लोगों ने कमेंट करते हुए कहा था कि यार तुम कुछ भी बकवास करने के लिए तुम वीडियो बना रहे हो। तो दोस्तों सीधी सी बात है, देखिए कोई भी बकवास नहीं थी, अपना जो ओपिनियन देता है कि एनालिसिस करके दिया था। तो मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो एक छोटा सा एनालिसिस एटलीस्ट ज़रूर करता हूँ, उस टाइम पर सिचुएशन क्या थी वो मैंने पूरा एनालिसिस करके वीडियो बनाई थी। और अब देखिए, जब गवर्नमेंट के नए सेफ्टी स्टैंडर्ड आ गए हैं तो उनके तहत सिंपल वन की बैटरी उसमें फेल हो गई है, और दोबारा से सिंपल वन को बैटरी पर काम करना पड़ा है। आप खुद सोचिए, अगर वाहियात प्रोडक्ट आपको मिलता, वाहियात बैटरी सिंपल वन की तरफ से आपको मिलती, तो उसमें आगे चल के कितनी सारी कंप्लेंट्स देखने को मिलती, और इससे नुकसान किसका था? आप लोगों का नुकसान था इसमें। और सिंपल वन में सुनने को आ रहा है जो बैटरी में, और ज़्यादा दिक्कतें नहीं थी वैसे दोस्तों, जो मेरे को जो सुनने को मिली है वो ये कि सेल्स जो होते हैं बैटरी के अंदर, उनके स्पेस को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि जो नए सेफ्टी स्टैंडर्ड है, न्यू बैटरी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है, उनके तहत काफ़ी सारे नियम हैं, जिनमें से एक सेल स्पेसिंग को लेकर के भी है कि दो सेल के बीच में एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, जिससे होगा ये कि अगर एक सेल में कुछ भी अनहोनी होती है या फायर होता है, स्मोक उससे निकलता है, तो दूसरा सेल उससे अफेक्ट ना हो सके। तो इन सारी चीज़ों को मतलब ये छोटी सी चीज़ को लेकर के बैटरी में कुछ प्रॉब्लम थी, जिसको लेकर के सिंपल वन ने दोबारा इस पर काम किया है और पास होने के लिए दोबारा अपनी बैटरी को भेज दिया है। तो दोस्तों मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो एक छोटा सा एनालिसिस ज़रूर करता हूँ, और सिंपल वन पर आप देखिए, सिंपल वन पर
लोग खूब वीडियो बनाते हैं और खूब अपने ओपिनियन देते हैं। देखिए डेली वीडियो मिल जाएगी आपको सिंपल वन पे। और मैं जब से मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे वीडियो बनाना शुरू किया है कम से कम तीन से ज़्यादा महीने मेरे को हो गए, 4 महीने के आसपास का समय हो गया ये। और मुझे लगता है कि ये मेरी सिर्फ चौथी वीडियो होगी सिंपल वन पे, तीसरी या चौथी वीडियो होगी। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाता, सिर्फ जो कोई जेन्युइन न्यूज आती है, कोई जेन्युइन मेरे को चीज़ लगती है कि हाँ इस पर वीडियो बनाना जरूरी है, तभी मैं सिंपल वन पर वीडियो बनाता हूँ। वरना लोग व्यूज़ के लिए डेली आपको अपडेट देते रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता ये लोग इतने अपडेट लाते कहाँ से। सिंपल वन ट्विटर पर कोई अपडेट नहीं देता, यूट्यूब पर कोई अपडेट नहीं देता, कहीं भी कोई अपडेट नहीं देता, ना सुहास राजकुमार और ना सिंपल एनर्जी, कहीं से कोई अपडेट नहीं होता। लेकिन लोग वीडियो बनाने के लिए सिंपल वन के नाम पे व्यूज लेने के लिए अपने माइंड से कोई भी अपडेट बनाते रहते हैं। देखिए दोस्तों ये अपडेट आ गया, वो अपडेट आ गया, फलाना अपडेट आ गया। मुझे नहीं पता कि ये लोग अपडेट कहाँ से लाते हैं और बस व्यूज लेते हैं। सिंपल वन के नाम पे व्यूज आते हैं, इन लोगों को पता है अच्छे से, मुझे भी पता है कि व्यूज आते हैं, बट मैं नहीं बनाता खामा खा के वीडियो व्यूज के लिए कि आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए कुछ उल्टा सीधा बोल के अपने मन से कोई भी अपडेट दे करके। बट लोग ये कर रहे हैं, यूट्यूबर्स ये कर रहे हैं और अपना घर अच्छा खासा चला रहे हैं सिंपल वन के नाम पर। तो दोस्तों मैंने जैसा कि बताया कि मेरी सिर्फ तीसरी या चौथी वीडियो होगी सिंपल वन के नाम पर, मैं खामा खा में वीडियो नहीं बनाता। तो मुझे अंदाजा है, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी इसी तरह की जानकारी मैं लेकर के आता रहता हूँ। कोई भी नया इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आ रहा है उसकी जानकारी हो या और भी किसी भी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी कोई भी खबर हो, उन सबको लेकर के मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, एक कॉमेंट जरूर कर देना दोस्तों के साथ, इस वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।